समाज में कैसे बनी पहचान, संघर्षों से सफलता तक, फर्श से अर्श तक की पूरी दास्तान देखिए व्यक्ति विशेष में सिर्फ प्रत्येक न्यूज लाइव पर। सरस्वती पूजा को लेकर फुलवारी शरीफ थाने में एसडीओ अनुपमा सिंह और एसडीपीओ संजय पांडे के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर शांति समिति के सदस्यों के साथ पूजा पंडाल के सदस्यों को भी बुलाया गया था, जिसमें निर्णय लिया गया कि कोई भी पूजा समिति डीजे नहीं बजाएगा और 21 तारीख को अपना अपना मूर्ति विसर्जन कर देगा, ताकि किसी भी प्रकार का सामाजिक व्यवधान पैदा नहीं हो। पूजाएं होती हैं बहुत व्यवस्थित तरीके से होती है। दुर्गा पूजा जो बड़ा बड़ा पंडित दुर्गा पूजा, चाहे रामनवमी का शोभा यात्रा निकलता हो, चाहे मुहर्रम का ताजिया निकलता हो, तो उसमें कमेटी काम करती है। सरस्वती पूजा क्या है कि ये छात्रों का पूजा है। इस पूजा में सबसे कम वरिष्ठ लोगों की भागीदारी कम होती है, ये चूंकि लड़के करते हैं और लड़कों का स्वभाव क्या है, श्रृंखलता क्या है, चूंकि मुखिया के नियंत्रण से बाहर भी होते हैं, इनको समझ में नहीं आती। अनगाइडेड मिसाइल की तरह काम करते हैं, ये क्या करना है क्या नहीं करना पता नहीं होता। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है इस चीज़ों में कि सारी चीज़ें नियंत्रित हों और बेहतर ढंग से पूजा हो। तीन चार चीज़ों पे जोर देना है। पहले तो जो भी पूजा पंडाल के लोग हैं, पूजा के लोग हैं, पंडाल यहीं बनेगा। कई बार सरस्वती पूजा ऐसा भी होता है कि 500 लड़का चंदा किया, झट से मूर्ति खरीदा लाकर बैठा दिया। बहुत की जरूरत नहीं होती है, बैर मको और मिठाई लाया, प्रसाद हो गया, अगले दिन ठेला किया।